मैंने सुना आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साइड में जो घंटी दी गई है ना, उसे भी झट से दबा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और लगातार आपके मुद्दों पर उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता की गुलामी करने पर मजबूर हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई डोरबेल को दबाएं। आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। फिलिस्तीनी आवाम ने मस्जिद अल अक्सा का अल रहमा गेट को अपनी हिम्मत और हौसले से 16 साल बाद दोबारा खोल दिया। साथ ही यहां पर मोहब्बत के साथ जुम्मे की नमाज अदा की गई। आज के इस मामले में जियोनिस्ट मूवमेंट को दिखा दिया कि असलहे और हथियार की ताकत, इंसानों की हिम्मत, हौसले और शुजात के सामने कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि इजरायली बलों ने मंगलवार शाम को कब्जे वाले शहर यरूशलम में अल अक्सा मस्जिद के अंदर फिलिस्तीनी मुस्लिम नमाजियों पर हमला किया था, जिसमें से कई लोगों को घायल कर दिया गया था जबकि अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इजरायली हमला अल रहमा गेट के पास फ्लैश पॉइंट मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद हुआ। चश्मदीद गवाहों ने सैनिकों की संख्या निर्दिष्ट किए बिना फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने कहा कि उसकी टीम ने अस्पताल में अटैक के रास्ते से घायल एक नमाजी का इलाज किया। बिना अधिक जानकारी दिए इजरायली बलों को 22 फिलिस्तीनियों को परिसर से हिरासत में लिया गया। रविवार शाम को इजरायली पुलिस ने अस्थायी रूप से अल रहमा गेट को बंद कर दिया, जिसे अगले दिन फिलिस्तीनी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। नईम अख्तर लिखते हैं, ये वे खुशनसीब लोग हैं जिन्हें फलिस्तीन कहते हैं, हंसते मुस्कुराते जेल जा रहे हैं। वे वही लोग हैं जिन्हें कल रात इजरायली पुलिस ने मस्जिद अल अक्सा में बाब अल रहमत को इजरायल पुलिस के कब्जे से आज़ाद करवाने के लिए जद्दोजहद में गिरफ्तार किया गया और वह खुशी खुशी जेल जाने को तैयार हैं। तहीम आजमी लिखते हैं, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, 16 साल से इजरायल पुलिस की सिक्योरिटी में बंद मस्जिद अल अक्सा के बाब अल रहमत को फलस्तीनियों ने आज खुलवा कर दम लिया और साबित कर दिया कि जंग हथियारों से नहीं हौसलों से लड़ी जाती है। ए मर्द मुजाहिदों, तुम्हारी बहादुरी को सलाम। मोहम्मद सलीम अंसारी लिखते हैं, अल्लाह अकबर, आज फिलिस्तीनी अवाम ने मस्जिद अल रहमा गेट को अपनी हिम्मत और हौसले से 16 साल बाद दोबारा खोल दिया है कि असलहे और हथियार की ताकत, इंसानों की हिम्मत, हौसले और शुजात के सामने कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। सोशल एक्टिविस्ट नदीम खान लिखते हैं कि अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिलिस्तीनी अवाम ने मस्जिद अल अक्सा अल रहमा गेट को अपनी हिम्मत और हौसले से 16 साल बाद दोबारा खोल दिया। आज के इस मामले में जियोनिस्ट मूवमेंट को दिखा दिया कि असलहे और हथियार की ताकत, इंसानों की हिम्मत और हौसले, शुजात के सामने कुछ भी नहीं है। तो फिलिस्तीनियों के जज्बे को सलाम। फिलिस्तीनियों ने जिस हिम्मत और हौसले का प्रदर्शन इजरायली सैनिकों के सामने किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। जहां पर इजरायली सैनिक फिलिस्तीनियों के हौसले के आगे बौने नजर आए और एक मैसेज जो फिलिस्तीनी अवाम के लोगों ने दिया, अगर हिम्मत और एकजुटता से आप लोग साथ चलेंगे तो किसी भी फासिस्ट ताकतों को हराया जा सकता है। इसी को लेकर के दुनिया भर के लोग सोशल मीडिया पर फिलिस्तीनियों की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं और फिलिस्तीनियों के जज्बे को सलाम कर रहे हैं, जिसके बाद दुनिया भर के लोग ट्रंप के विरोध और नेतन्याहू के विरोध में आकर के खड़े हो गए थे और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि जहां पूरे देश के वोट फिलिस्तीनियों को मिले थे तो वहीं ट्रंप और नेतन्याहू अलग थलग पड़े हुए नजर आ रहे थे। और यहां पर फिलिस्तीनियों को
एर्दोगन का भी साथ मिला और एर्दोगन ने भी उनके जज्बे को सलाम किया है और लगातार सोशल मीडिया पर फिलिस्तीनियों के जज्बे से सलाम करते हुए लोग नहीं थक रहे हैं और ये खबर सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से छाई हुई है, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने जिस हिम्मत और हौसले को अंजाम दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। तो फिलिस्तीनियों से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।